सर, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन से, आप ये बताइए, आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएंगे, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेफेस्ट, आप बताइए साल में कितना कमा लेंगे? कोई भी एक आदमी बोल रहे, सेफेस्ट, सबसे अच्छे फंड में या सबसे अच्छे, दस परसेंट मानते हैं। मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। आप बताइए अगर 10% का रिटर्न मिलता है तो एवरेज कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा? जल्दी बताइए। 7.2 इयर्स। क्या मैं उसको 7 ले लूं एवरेज करने के लिए, नॉर्मल दिखाने के लिए? आप लोग को 7 लिख दूं? ले लो। सपोज आज मेरे पास 1,000 रुपए है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1,000 रुपए मेरे पास है, मैंने उसको 10% के रेट से इन्वेस्ट कर दिया किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, किसी अच्छी मार्केट में, किसी अच्छे शेयर में, 10%। और जो बहुत आसान है, मैं, मेरे को जब चाहिए आप कुछ भी पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नाउ 10% के रेट से इन्वेस्ट किया तो आप कहते हैं 7 साल में वो डबल हो जाएगा, 1,000 का 2,000 हो जाएंगे, बताइए। बिल्कुल। अब 7 साल और ले लेते हैं, कितने, 14 साल में कितने हो जाएंगे वो पैसे, सेम पैसे? 4,000 हो जाएंगे। 4,000 देखिएगा स्क्रीन पे, 21 साल में कितने हो जाएंगे? 8,000 28 साल में कितने हो जाएंगे? 16,000 बहुत अच्छे हैं। आगे सर, कंपाउंडिंग नहीं होगी, एक सेकेंड, 28 और 7 कितना होता है? 35 35 ईयर में कितने हो जाएंगे? 32,000 और 7 साल और लिख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी लिख लेता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब आप बताइए अगर 7 साल में आपको ये रिटर्न मिला है, आप बताइए कितना रिटर्न मिला? 100% पर ईयर कितना हो गया बताइए, डिवाइड करिए, 100 / 7 करिए कितना होगा? 14.2। ध्यान से देखिएगा, अभी आप 10 लेके गए थे, कितना? 14.2। नाउ वही पैसा हमारा 14 साल में 4,000 हो गया, यानी हमारा 300% बढ़ा है 14 साल में, 300% बढ़ा है। हर साल कितना हुआ? 300 / 14 पर ईयर कितना हुआ? 21.43। वही पैसा 21 साल में हमारा 8,000 हो गया, यानी 700% हुआ है, हमारे इनकम हुई है 700%। कितने साल में? कितने साल में हुई है? 14 साल में। आप मुझे बताइए पर ईयर कितना हुआ? 33.33। नाउ नेक्स्ट, ये आप लोगों ने बताया 50, मैं लिख लेता हूं। नेक्स्ट बताइए, मेरा पैसा 1,000 से 32,000 हो गया टोटल 35 साल में, यानी 35 साल में मुझे 3100% रिटर्न मिला है, 3100%, 3100% इन 35 ईयर। पर ईयर कितना हुआ? 88.57। और अगर मैं एक और कर देता हूं आपकी जॉन नॉलेज के लिए, तो अगर मेरे को 6300% मिले हैं 42 इयर्स में, 6300% 150। आपको कुछ ब्यूटी समझ में आई? आप हर साल 150% कमाइए ना, आप हर साल 150% कमा रहे हैं इसमें, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग का बेनिफिट। वंडर है ये, 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड है। दिक्कत क्या है, नाइका का शेयर 100% बढ़ गया तो हमें दिख रहा है, लेकिन वो एक बार बढ़ा है, आप हर साल कमाइए ना 150%, हर साल 150% कमा रहे हैं, देख लीजिए कैलकुलेशन में कहीं रॉन्ग है तो मुझे बताइए आप। लेकिन क्या होता है, हम आज लगाते और हमें आज उसको देख लें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए प्लीज, कंपाउंड करवाइए अपने मनी को। आपको मैंने 100% कहा था, मैं 150% कमा के दिखा रहा हूं, आपकी हर साल की अर्निंग कैलकुलेट कर लीजिए एक बार और करें, 150% की पर ईयर की अर्निंग है यहाँ पे। जो झुंझुनवाला आज झुंझुनवाला बने हैं, जो वॉरेन बफेट आज वॉरेन बफेट बने हैं, उन्होंने ये दिया है, उन्होंने हर साल 150% नहीं कमाया कि आज शेयर में लगाऊंगा कल 150% होगा। जो ये लोग आते हैं ना शेयर मार्केट में, कहते हैं आज ये हो गया कल वो हो गया, पर वो सब झूठे हैं, इस बेनिफिट को लीजिए। और ये ऐसा है जो कोई भी कर सकता, कोई भी कर सकता है। अगर आपको अपने अगली जनरेशन के लिए पैसा लगाना है, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा लगाना है, आप 30 साल के 40 साल के हैं तो अगले 40 साल के लिए लगाइए ना, बच्चों को पैसा देके जाना तो ऐसे देके जाइए ना। आप शेयर मार्केट में आते सोचते आज पैसा लगाऊं कल डबल हो जाएगा, मैं कहता हूं हर साल 150% कमाएंगे और ये रिटर्न मैंने क्या दिया है आपके कहने पर, केवल 10%।
जबकि 12-15% तो कोई मतलब कोई भी एक नौसिखिया भी शेयर मार्केट में कमा लेता है, आप अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो उसकी रिटर्न होती है।